अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर साजकस और आज की इस वीडियो में हम माउस बुंजीस के ऊपर बात करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत से दोस्त जो वाइड गेमिंग माउस यूज़ कर रहे हैं उनको वायर ड्रैग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्पेशली जिन दोस्तों के माउस के साथ प्लास्टिक केबल्स हैं उन्हें ड्रैग के साथ साथ वायर मोनिटर स्टैंड और केसिंग के साथ स्टक होने का प्रॉब्लम भी है और मैं इस प्रॉब्लम को खुद पर्सनली समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक वाइड गेमिंग माउस का यूजर रहा हूं एस पास में वायरलेस गेमिंग माइस इतने कॉमन नहीं थे और जो थे उनकी वायरलेस ट्रांसमिशन ज्यादा रिलायबल नहीं थी तो मजबूरन गेमिंग के लिए एक वायर्ड गेमिंग माउस ही यूज करना पड़ता था और वायर में ड्रैग इलिमिनेट करने के लिए मोस्टली मैं माउस वायर को टेबल के साथ टेप से स्टिक कर देता था बट नाउ वायरलेस गेमिंग माइस आर मोर रिलायबल सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बट स्टिल मोस्ट यूजर्स की रीच से बाहर हैं ड्यू टू तो देयर हायर प्राइस फिर माइस विद पैराकॉर्ड और ड्रैग फ्री केबल्स आते हैं

जो एक ऑनलाइन स्टोर है सेलिंग ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एट रिड्यूस प्राइस बट आई विल पर्सनली रिकमेंड बाइंग विंडोज टेन की फ्रॉम दिस स्टोर एज दे आर ऑफरिंग इट एट मच मच लेस प्राइस ऑफ जस्ट टू वन नाइन टू टू हंड्रेड डॉलर एट ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और यही नहीं विद एप्लीकेशन ऑफ के पी ए ट्वेंटी कोड यू कैन अवेल फर्दर ट्वेंटी परसेंट ऑफ सो इसकी टोटल प्राइस विल बी जस्ट ट्वेल्व डॉलर तो एज विंडोज इलेवन जस्ट लॉन्च होने जा रही है

कोगर ब्रांड की सिलेक्शन की वजह इनका माउस विदर्ट केबल एवर जो एटलीस्ट फॉर मी वायर की वजह से प्रॉब्लम था आई थॉ वुड बी अ गुड आइडिया टू सी हाउ टू प्रोडक्ट परफॉर्म एंड एक्चुअल विद प्लास्टिक बॉडी फ्लेक्सीबल रबर केबल माउंट बट फीचर आई लाइक द मोस्ट इसको टेबल पर स्टेबिलिटी से प्लेस करने के लिए वैक्यूम सेक्शन पैड दिया गया है री एनफोर्स बाई एडीसिव ऑन बॉटम प्रैक्टिकली इट शुड स्टिक यूर टेबल वेल वेयर एज मोस्ट बोन्जी स्टेबिलिटी के लिए जस्ट हैवी वेट बेस यूज करते हैं बट दिस बोन्जी प्रोवाइड यू विद समा ग्रिप ऑल दोन द बॉटम इज ऑफ गुड क्वालिटी बट मैं ये समझता हूं कि बार बार इसे टेबल के ऊपर प्लेस करने से एडीसिव प्रॉपर्टीज लूज कर सकता है सो प्लेस इट विथ केयर जहां पर आपने इसे सेट करना हो सो so इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ डिफरेंट माइस देखने से पहले जल्दी से माउस एंड केबल्स का बताता चलू तो कुछ गेमिंग माउस की केबल्स से ही ग्राउंड को टच करने लगती हैं, जो माउस है, या एंगल के ऊपर एग्जिट दिया जाता है जो माउस वायर को लिफ्ट रखती हैं बट माइस पैराकॉर्ड्स सॉफ्ट होने की वजह से ग्राउंड को तो टच करती हैं बट दे डोंट एक्ट एनी सिग्निफिकेंट ड्रैग तो फर्स्ट माउस वी आर गोइंग टू टेस्ट इज कोगॉर्मिनाउस एक्स टू एज अ सेट बिफोर इट्स तो सीरियसलीफेक्ट लू बनाने के साथ टच नहीं कर रही सो देर इज नो चांस ऑफ ड्रैग नेक्स्ट हम यूज करने जा रहे हैं अब्ल्यू सेवन जिसकी वायर फेब्रिक बेडेड है और माउस पर बाउंस बैक फोर्स अप्लाई करने के साथ ड्रैग प्रोड्यूस करती है but initially it's very difficult to insert this wire in Bunji due to its large diameter but after setting it up as you can see wire drop down to ho rahi hai. but still it's not in contact with table so now we are going to test a paracord cable which mice like glorious models and my red dragon storm gaming mouse ke sath first of all it's very lightweight and wire itself is completely drag free बट स्टिल वायर समटाइम्स केट स्टक विद मोनिटर स्टैंड और सिंपली मूव टूवर्ड्स की बोर्ड तो इस माउस बंजी के साथ केबल स्ट्रेट लाइन में जरूर आ गई है बट देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसिंग इट विद और विदाउटी बट आफ्टर टेस्टिंग डिफरेंट गेमिंग माइस विद आर सर्टन लिमिटेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेम रिस्क मूवमेंट के ऊपर यूज करते हैं तब तो देर शुड बी नो प्रॉब्लम बट अगर आप माउस को माउस पैड पर एक्सट्रीमली मूव करते हैं तो यू कैन रन आउट ऑफ केबल लेंथ

बट अगर आप ट्रू वायरलेस लाइक गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आई विल हाईली सजेस्ट एटलीस्ट गेटिंग अ माउस विद पैराकॉर्ड केबल तो यह माउस पंजी आपको अराउंड थ्री थाउजेंड रुपीज कॉस्ट करेगी जो देखा जाए तो मोस्ट बजट गेमर के लिए अफोर्डेबल गेमिंग एक्सेसरी नहीं है बट अगर आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस माउस वायर की वजह से अफेक्ट हो रही है तो यू शुड कंसिडर बाइंग वन तो दोस्तों एज ऑलवेज उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी जिसके लिए इसको लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब भी कर लें नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी अपना बेहद ख्याल रखिएगा तब तक के लिए खुदा हाफिज